Welcome again to my channel, dear students. In last video, we have discussed 10th class maths chapter 4th quadratic equation exercise 4.3 up to 4th question. In this, I am here with question number 5th. In a class test, the sum of Shefali's marks in two subject mathematics and English is 30. दोनों के marks का sum 30 है. Had she got 2 marks more in maths एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर उसके 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में मोर आ जाते, यानी कि ज़्यादा आ जाते, अधिक आ जाते, और 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस हो जाते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, यहाँ सम दिया हुआ था तो यहाँ प्रोडक्ट दिया है, लेकिन कब, जब 2 मार्क्स मोर हैं और 3 मार्क्स लेस हैं, वुड हैव बीन 210, तो उनका प्रोडक्ट 210 हो जाएगा. फाइंड हर मार्क्स इन टू सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्टों में हमने उसके मार्क्स फाइंड आउट करने. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. Select marks in maths, that is X. So marks in English, ये let नहीं करेंगे क्योंकि total कितने 30 marks हैं, तो 30 में से mathematics में अगर X है तो remaining means 30 में से अगर X subtract कर देंगे, that is marks in English. अब देखते हैं according to question, वो कहते हैं कि 2 मार्क्स मोर आते मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स मोर आते, मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने x, 2 मोर मार्क्स इट मींस x प्लस 2. इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं 30 माइनस x, और उसे कह रहा है कि 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस आ जाते तो उसका प्रोडक्ट होता 210. सो दिस अवर इक्वेशन. अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, सो दैट इज x प्लस 2 इंटू, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210. सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 एंड माइनस 2x इक्वल टू 210. सो माइनस एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री मीन्स 27x माइनस 2x, देन कॉन्स्टेंट टर्म्स 54 और 210 को इधर शिफ्ट करते हैं, that is equal to 0. So minus x square plus 25x and minus 156 equal to 0. So आगे negative term जो है, sorry first term के आगे negative sign है, इसको हम minus से multiply करेंगे ताकि polynomial की first term जो है positive हो जाए. So x square minus 25x and plus 156 equal to 0. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन. अब इसे हम किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां भी टर्म सप्लिट हो रही हैं, सो हम सप्लिट करेंगे इसको. सो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0. सो इसमें से कॉमन फैक्टर x बनेगा, सो x माइनस 13 इज द रिमेनिंग, सो हियर 12 इज द कॉमन फैक्टर, सो x माइनस 13 इक्वल टू 0. नाउ x माइनस 13 इज द कॉमन फैक्टर, so remaining is x minus 12 equal to 0. So if x minus 13 is equal to 0 or x minus 12 equal to 0. So here x equal to 13 and x equal to 12. तो यहाँ दो केस बन जाते हैं. अगर मैथमेटिक्स में मार्क्स इन मैथ्स 13 है, क्योंकि हमने x क्या किया था, मैथमेटिक्स के मार्क्स को लेट किया था, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हुए, रिमेनिंग मीन्स 30 माइनस 13 दैट इज 70, और इधर मार्क्स इन मैथ्स दैट्स 12, सो मार्क्स इन इंग्लिश दैट इज 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18. सो दोनों आंसर करेक्ट हैं, 13 एंड 17, और इधर 12 एंड 18. Along with this, our fifth question is over. So let's start the sixth question. So this is our sixth question. The diagonal of rectangular field is 60 meter more than the shorter side. Diagonal की बात कर रहा है, वो rectangular field में diagonal जो है, that is 60 meter longer means more than the shorter side. Shorter side, ये shorter side है और ये longer side है. जो diagonal है वो shorter side से 60 meter more है.
एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो लॉन्गर साइड को भी शॉर्टर साइड से कंपेयर किया गया है। सो डायगनल और लॉन्गर साइड दोनों को जब शॉर्ट साइड से कंपेयर किया गया है, सो लेट शॉर्ट साइड, शॉर्टर साइड क्या हुई, हम लेट करेंगे एक्स मीटर। सो लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर, सो एक्स प्लस 30, सो दिस इज एक्स एंड लॉन्गर इज एक्स प्लस 30 एंड डायगनल इज इक्वल टू एक्स प्लस 60 मीटर मोर, तो डायगनल हुआ एक्स प्लस 60 मीटर। सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल बिकॉज इट्स रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के अंदर अगर डायगनल हमने लिया है तो दोनों साइड राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ऑल फोर एंगल्स आर राइट एंगल। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम हमारे पास तीनों साइड्स हैं तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो दैट इज एक्स प्लस 60 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 स्क्वायर, कि दोनों के स्क्वायर का सम डायगनल के स्क्वायर के बराबर। सो ये हमारी क्वेश्चन रेडी है, अभी इसे सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो इनको आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे, विच वन आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो लेट्स ओपन इट, सो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3600 प्लस 2ab मीन्स 120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इसे करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर होगा जो 900 एंड प्लस 60x। सो हम लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 डिग्री, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आफ्टर दैट टर्म्स कंटेनिंग एक्स, सो दैट इज 120x माइनस 60x एंड आफ्टर दैट कॉन्स्टेंट टर्म्स प्लस 3600 एंड माइनस 900 इक्वल टू जीरो। सो दिस इज कैंसल एंड माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 60x एंड प्लस 2700 इज इक्वल टू जीरो। और फर्स्ट टर्म हमारी नेगेटिव है, सो इसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फर्स्ट टर्म जो है हमारी पॉजिटिव हो जाए, माइनस 60x माइनस 2700 इज इक्वल टू जीरो। अब वही स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, आप जो चाहे मेथड लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हमारी जो मिडिल टर्म है वो सप्लिट कर सकते हैं जब तक पॉसिबल है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बाय सप्लिटिंग मिडिल टर्म ही अप्लाई करना चाहिए, बाकी आपको अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अच्छा लगे तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। 30x माइनस 2700 इक्वल टू जीरो, सो अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर चूज करेंगे, सो एक्स माइनस 900 और यहाँ 30 जो है कॉमन फैक्टर आ जाएगा, तो एक्स माइनस 900 इज इक्वल टू जीरो। लॉन्ग विद दिस एक्स माइनस 900 सॉरी 90 नॉट 900 इट्स 90 एंड एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। अब x माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो है, देन x इक्वल टू 90 और x प्लस 30 इक्वल टू जीरो है, देन x इक्वल टू माइनस 30। सो लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो हम इसे रिजेक्ट कर देंगे। नाउ x इज 90, दिस इज अवर आंसर, व्हाट इज x, दैट इज शॉर्ट साइड, सो शॉर्टर साइड इज 90 मीटर, लॉन्गर 30 मीटर मोर देन दिस, सो 90 प्लस 30 दैट इज 120 मीटर। वैसे तो उसने दोनों डायमेंशंस पूछी थी, आप चाहें तो डायगनल भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 60 मोर दैट इज 150 मीटर। सो लॉन्ग विद दिस अवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज ओवर, सो सेवन्थ और एट्थ क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।